हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र की लाइफ के बारे में। धर्मेंद्र के कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। धर्मेंद्र की जिंदगी में हेमा मालिनी से पहले एक और एक्ट्रेस आई थी जिस पर दिलो जान छिड़कते थे धर्मेंद्र, पर अफसाना बनकर रह गई ये फिल्मी दुनिया में हुई पहली मोहब्बत। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के ही मैन है जिनकी अदाकारी और शख्सियत के लाखों लोग दीवाने हैं। उनकी जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। उनकी मोहब्बत की कहानियां भी कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी से पहले भी उनके दिल में किसी और के लिए जगह थी? यह कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी थी। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर में हुई जब धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया में नए थे और मीना कुमारी पहले से ही एक स्थापित अदाकारा थी। मीना कुमारी की मासूमियत और खूबसूरती ने धर्मेंद्र के दिल पर गहरा असर डाला। यह कहा जाता है कि मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में जगह बनाने में काफी मदद की। फिल्म फूल और पत्थर में उनकी जोड़ी सिनेमा घर में धमाल मचा दिया था। मीना कुमारी ने जो खुद एक दुखद जीवन जी रही थी, धर्मेंद्र के सादगी और मासूमियत की ओर आकर्षित हुई। दोनों ने काजल, पूर्णिमा और मजली दीदी जैसी फिल्मों में साथ में काम किया और यह जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर खूब जमी। मीना कुमारी के प्रभाव से धर्मेंद्र के करियर ने उड़ान भरी, लेकिन यह मोहब्बत एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। धर्मेंद्र जो अब तक फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे, नए प्रोजेक्ट में व्यस्त होते चले गए और इस तरह बिजी होने से धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई। एक ऐसा समय आया जब धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरी बना ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पार्टी में जब दोनों का आमना सामना हुआ तो धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से बात तक नहीं की। यह घटना उनके रिश्ते के खत्म होने की गवाही देती है। मीना कुमारी जो अपने जीवन में पहले से ही दर्द और अकेलेपन से जूझ रही थी, इस मोहब्बत के टूटने से और भी बिखर गई। धर्मेंद्र की ये पहली मोहब्बत जो अफसाना बनकर रह गई, फिल्मी दुनिया के उन अनकहे किस्सों में से एक है जिसे समय की धूल ने ढक दिया। लेकिन उनके चाहने वालों के लिए यह कहानी आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी उस दौर में थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। हमें फेसबुक पर फॉलो करें। शुक्रिया और आपका दिन शुभ रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।